भारत की सेना को लेकर के जिस प्रकार का वातावरण बनाया है, कहीं ना कहीं इट बिलिटल्स द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी जिसको लेकर हमारे मन में किसी प्रकार की शंका नहीं है, हमारे मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं है, जबरन लोगों के मन में शंका उत्पन्न करने का प्रयास ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी समय समय पर करती रहती है। अग्निपथ योजना को नहीं विरोधी पुणी आरंभ करिछंती हीन राजनीति। एथर सेमानक राजनीति रे आवेदन पत्र रे जातीय धर्म उल्लेख पाई थिबा स्तंभ एहा कोनोसी नुआ नियम नहि बरंग आरंभरु रही आसीछि बोली सेनार स्पष्टीकरण। विरोधीक हीन राजनीतिर कड़ा जवाब देला बीजेपी। काहीकि सेनार मनोबल भांगुछंती विरोधी। ए बाबदरे 2013 सुप्रीम कोर्ट रे जवाब रखि सारिछि सेना। केंद्र सरकार भारतीय सेना को अधिक सशक्त करिबा पई आरंभ करिछंती अग्निपथ योजना। मात्र हीन उद्देश्य रे एहाकु विरोध करि आसुछंती विरोधी। एबे विरोधी माने आरंभ करिछंती आउ एक नुआ चाल। एथरर चाल आवेदन फॉर्म रे जाति एवं धर्म बाबदरे थिबा स्तंभ को आधार करि अग्निपथ योजना रे नियुक्ति पई इच्छुक प्रार्थी को फॉर्म रो निर्दिष्ट कलम रे निज जाति एवं धर्म बाबदरे उल्लेख करबा को पड़िबो, जहां केवल सेना नुहे बरं प्रशासनिक कारण रो सब सरकारी नियुक्ति क्षेत्र रे रहिछे। तबे एहा को नै एबे हीन राजनीति रो खेल खेलिछंती आरजेडी एवं आप परि विरोधी दल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, आप नेता संजय सिंह एवं आसाम रो एआईयूडीएफ रो करीमुद्दीन का भरी नेता मने एहा को नै केंद्र रो बीजेपी सरकार को टारगेट करिछंती। विरोधीक राजनीतिर कड़ा उत्तर रखिछंती केन्द्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पूर्वरु जहां व्यवस्था रही आसीछि सेतिरे कोनोसी प्रकार परिवर्तन होइनी बोली प्रतिरक्षा मंत्री कहिछंती। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अन्य एक गुरुत्वपूर्ण तथ्य होची ए बाबदरे 2013 रे सुप्रीम कोर्ट का पाखरे सेना तरफ रु स्पष्टीकरण दिया सकिछि। कांग्रेस सरकार समय एक घटना को जानी मध्य खुद कांग्रेस आरजेडी एवं आप परि दल सेनार मनोबल भांगुछंती बोली विरोधी को टारगेट करी कहिछंती बीजेपी रा राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र। 2013 में ही एक सत्य पत्र अर्थात एफिडेविट सबमिट करके भारत की सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मत को स्पष्ट किया था और कहा था कि देयर इज नो रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस एज फार एज कास्ट इज कंसर्न। कोई रोल नहीं है, कोई भी इसमें धर्म और कास्ट के आधार पर सिलेक्शन का रोल नहीं है, किंतु एक प्रशासनिक अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव और संचालन या परिचालन जिसको अंग्रेजी में ऑपरेटिव कहते हैं, यह एक ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट है, यह एक प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में इंडिया की आर्मी ने कहा था नियुक्ति रे भारतीय सेना केवे भी जाति धर्म को आधार करे नहीं। मात्र दुर्भाग्यवशतः कई शहीद हेले सेमानक अंतिम क्रिया धार्मिक रीतिनीति आधार रे करिवार नियम रहिछि, सेथिपाई रखा जाइछि धर्म उल्लेखर व्यवस्था। एहा को जानी मध्य राजनीति करुछंती विरोधी। आप परि जेउ दल देशर सुरक्षा पाई निया जाउथिबा सरकार को पदक्षेप को सबुबेले प्रश्न करि आसिछंती, तार नेता एबे गुरुत्व नथिबा प्रसंग को नै राजनीति आरंभ करिछंती। कोई बदलाव नहीं है, जो जानकारी पहले प्राप्त की जाती थी वही जानकारी अब भी प्राप्त की जाती है, और लाखों युवाओं ने आवेदन किया है अग्निवीर बनने के लिए। ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष का प्रोपेगेंडा, विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी का झूठ, ये देश के सामने आया है। ये लगातार झूठ बोलते हैं और आम आदमी पार्टी झूठ का राजनीति करती है। सेना रे अग्निवीर भाव रे भर्ती हुई देश सेवा करबा को एबे युवा पीढ़ी का मध्य देखा दैछि आग्रह। लक्ष लक्ष संख्या रे युवक युवती एथिपाई आवेदन करबा सहित दैनिक अभ्यास जारी रखिछंती। भारतीय सेना को अधिक सशक्त करबा सह देशर सुरक्षा को प्राथमिकता देइछंती केन्द्रर मोदी सरकार। एहि समय रे विरोधी हीन राजनीति चलाई सुप्रीम कोर्ट रे एहा विरोध रे मामला दायर करिछंती। विचार पाई समस्त मामला को एबे दिल्ली हाईकोर्ट को हस्तांतर करिछंती सुप्रीम कोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑर्गस्ट न्यूज।